नमस्कार, साहित्यिक झरोका चैनल पर मैं इंदु सहारण सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी का आनंद सर्ग भाग दो। हमने जो इसका भाग एक किया था उसमें हमने जाना कि एक समूह है जो जा रहा है उस पवित्र स्थान की ओर, जो तीर्थ स्थल है वहाँ जा रहा है। उस समूह में, जन समूह में महिलाएं भी है, बालक भी है, युवा भी हैं, और उसके साथ साथ ईड़ा और मानव, जो मनु पुत्र है, श्रद्धा पुत्र मानव है, वो भी जा रहे हैं। बच्चे किस प्रकार कुतूहल से, आश्चर्य से भरे हुए हैं, उनका व्यवहार कैसा है, युवा कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो सब हमने इसके पहले व्याख्या भाग में जाना। अब हम आज आगे का व्याख्या भाग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं कि एक बालक जब अपनी माँ से पूछता है कि तुम बार बार मुझे कहती हो कि अभी पहुँच जाएंगे, अभी पहुँच जाएंगे, वो स्थान क्यों नहीं आ रहा है, तो वो माता कैसे समझाती है, वो क्या कहती हैं। वह अगला समतल जिस पर है देवदारु का कानन, बच्चे के सवाल का जवाब देते हुए माता कहती है कि वह अगला, आगे वो जो समतल भूमि है जिस पर देवदारु का जंगल है, देवदारु के पेड़ जिस पर फैले हुए हैं, देवदार के पेड़ों का जो जंगल दिखाई दे रहा है समतल भूमि पर, घन प्याली भरते ले जिसके दल से हिमकंड। घन यानी बादल प्याली भरते हैं यानी जल ग्रहण करते हैं, लेकर जिसके दल यानी पत्तों से हिमकण ओस की बूंदें, ये वही देवदारू का कानन या जंगल है जहाँ से बादल उन पत्तों पर, देवदारू के पत्तों पर गिरी हुई ओस की बूंदों से पानी या जल ग्रहण करते हैं। हाँ, इसी ढालवे को जब बस सहज उतर जावे हम, माता कहती हैं कि हाँ, जो सामने ढलान है इसको जब हम सहजता से उतर जाएंगे, इसे पार कर लेंगे, फिर सम्मुख तीर्थ मिलेगा, वह अति उज्जवल पावनतम। फिर सम्मुख सामने, जब उस ढाल से हम उतर जाएंगे तो वहाँ से सामने हमें वो तीर्थ दिखाई देगा जहाँ जाना हमारा उद्देश्य है, और वो तीर्थ कैसा है, अति उज्जवल है, अत्यंत प्रकाशवान है, दैदीप्यमान है, और वो पवित्र है। उस स्थान पर हम पहुंच जाएंगे। माता अपने बालक के हृदय को शांत करने के लिए या उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसे समझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो बालक मानता नहीं है। और वो क्या करता है, वह ईड़ा समीप पहुंचकर, और वो बच्चा अपनी माँ के बताई हुई बात से शांत नहीं होता, बल्कि वो ईड़ा के पास पहुंच जाता है और बोला उसको रुकने को, और उसे रुकने के लिए कहता है, वो उसे कहता है कि तुम अभी रुको थोड़ी देर के लिए। बालक था, मचल गया था, आखिर बच्चा ही तो था, उसका मन मचल रहा था, उसके मन में अनेक प्रकार के जिज्ञासाएँ थी कुछ और कथा सुनने को, वो और ज़्यादा विस्तृत रूप में उसके बारे में जानना चाहता था। वह अपलक लोचन अपने पदाग्र विलोकन करती, और जो ईड़ा है वो कैसे चल रही थी, अपलक बिना अपनी पलकों को झपकाए, लोचन नेत्रों के अपने की, अपनी आँखों के पलकों को झपका नहीं रही थी, पदाग्र विलोकन करती, पदाग्र यानी पद यानी पैर, आग्र यानी आगे का भाग, पैरों के आगे के हिस्से को, विलोकन होता है देखना, देखती हुई चल रही थी, और कैसी लग रही थी, पथ प्रदर्शिका सी चलती, पथ यानी रास्ता या मार्ग, प्रदर्शिका यानी मार्ग दिखाने वाली चलती, ऐसे लग रहा था कि वो अपने दल की स्त्रियों का पथ प्रदर्शन कर रही है, उन्हें मार्ग दिखा रही है। और कैसे चल रही थी, धीरे धीरे डग भरती, डग यानी कदम, धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए पथ प्रदर्शिका सी वो अपने रास्ते पर चल रही थी। और एक बालक आकर उसे रुकने के लिए कहता है कि तुम मुझे कब से कथाएँ सुना रही हो, और अब मैं कुछ और कथा सुनना चाहता हूँ, इसीलिए वो बालक उसे रोकने के लिए कहता है। आगे कवि कहते हैं, बोली हम जहाँ चले हैं वह है जगती का पावन। और उसके प्रश्न पर, जो बालक प्रश्न करता है, बालक अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है, उस पर वो क्या कहती हैं ईड़ा, ईड़ा यहाँ पर कहती है, कौन बोली यहाँ, ईड़ा, हम जहाँ चले हैं वह है जगती का पावन, कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं, जिस स्थान पर जा रहे हैं, वो इस जगती का, इस संसार का पवित्र स्थान है, पावन यानी पवित्र स्थान है, साधन प्रदेश किसी का, साधन यानी साधना का क्षेत्र है, प्रदेश यानी क्षेत्र, साधना का क्षेत्र है, साधना का प्रदेश है,
शीतल अति शांत तपोवन, शीतल शीतलता देने वाला यानी ठंडा, अति बहुत ज़्यादा, शांत तपोवन और बहुत ही शांत तपोभूमि है, तप करने का स्थान है। कैसा, क्यों शांत तपोवन? लेकिन बच्चा कहाँ शांत होने वाला है, वो फिर से प्रश्न करता है। बालक क्या कहता है, कैसा और क्यों है वो शांत तपोवन, क्यों है वो शांत तपोभूमि, विस्तृत क्यों नहीं बताती? ईड़ा से वो फिर कहता है कि आप मुझे विस्तार से इसके बारे में बताओ। बालक ने कहा ईड़ा से, वह बोली कुछ सकुचाती। और बालक ने जब ये प्रश्न ईड़ा से किया तो वह कुछ सकुचाकर, संकोच करते हुए उसका उत्तर देती है, बोलती है, क्या कहती है ईड़ा? सुनती हूँ एक मनस्वी था वहाँ एक दिन आया। ईड़ा उस बालक से कहती है, सुनती हूँ कि मैंने सुना है एक मनस्वी, मनस्वी मननशील बुद्धिवान व्यक्ति था वहाँ एक दिन आया, वहाँ पर एक दिन आया था, जिस तपोभूमि पर हम जा रहे हैं, जिस तीर्थ स्थान पर हम जा रहे हैं, वहाँ पर एक दिन मैंने सुना है कि एक मनस्वी बुद्धिशील व्यक्ति, मननशील व्यक्ति वहाँ पर आया। वह जगति की ज्वाला से अति विकल रहा झुलसाया, कि वह जगति यानी संसार की ज्वाला से, पीड़ा से, तपन से, कैसी ज्वाला है संसार की, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक यानी शारीरिक पीड़ा, दैविक यानी जो देवी देवताओं के द्वारा जो पीड़ा या दुख हमें दिया जाता है वो पीड़ा, भौतिक जो भौतिक सुख साधनों की कमी जीवन में रहती है वो भौतिक ताप, यानी तीनों प्रकार के संसार की जो ताप हैं, तीनों प्रकार के वो कौन कौन से हैं, दैहिक दैविक और भौतिक ज्वाला से वो अति व्याकुल, विकल यानी व्याकुल, अति यानी बहुत ज़्यादा व्याकुल रहा झुलसाया, झुलसा हुआ था, अर्थात वो संसारिक पीड़ा से, संसारिक अग्नि से जल रहा था, झुलसा हुआ था। उसकी वह जलन भयानक, और उसकी वो जलन बहुत ही भयानक थी, और उस भयानक जलन से क्या हुआ, उस ज्वाला से क्या हुआ, फैली गिरी अंचल में फिर, और जो वो इस स्थान पर आया, इस पर्वतीय क्षेत्र में आया, गिरी यानी पर्वत, अंचल यानी उसका तलहटी का स्थान, तो वो यहाँ के संपूर्ण क्षेत्र में फैल गई। कहाँ, जो गिरी और पहाड़ी और उसके तलहटी के स्थान पर भी वो ज्वाला फैल गई। दावा अग्नि प्रखर लपटों ने, दावा अग्नि यानी बहुत भयानक अग्नि जो जल रही थी वहाँ पर, जो दावा अग्नि जो वन की आग भयानक थी, प्रखर तेज जो उससे लपटे निकल रही थी, कर दिया सघन वन अस्थिर, और उस वो अग्नि इतनी ज़्यादा तेज थी, भयानक रूप ले रखा था उस अग्नि ने, कि सघन यानी पूरा वन क्षेत्र ही उससे अस्थिर हो गया, वो संपूर्ण क्षेत्र ही उससे प्रभावित हुआ, और संपूर्ण क्षेत्र में उस अग्नि की जो तपन है वो फैल गई। और ये तपन किससे फैली, मनस्वी जो वहाँ पर तप करने के लिए आया था उससे। थी अर्धांगनी उसी की जो उसे खोजती आई, आगे वो क्या कहती हैं कि उसी की अर्धांगनी, अर्धांगनी अर्थात पत्नी, जो मनस्वी आया था उसकी पत्नी उसे खोजने के लिए वहाँ पर आई, यह दशा देख करुणा की वर्षा दृग में भर लाई, और अपने पति की दशा देखकर, जो वो अग्नि में जल रहा था, व्याकुल था, परेशान था, उसकी दशा देखकर उसके हृदय में करुणा का भाव उमड़ आया, वर्षा दृग में, और दृग यानी आँखों में, वर्षा अर्थात आंसुओं की झड़ी लग गई, वर्षा आंसू बहने लगे, वरदान बने फिर उसके आंसू करते जगमंगल, लेकिन वो आंसू वरदान बन गए, आंसू करते उन आंसुओं ने क्या किया, जगमंगल, संसार का मंगल किया, क्योंकि उन आंसुओं से क्या हो गया, सब ताप शांत होकर वन हो गया हरित सुख शीतल, सब ताप, चारों तरफ जो ताप फैला था वो शांत हो गया, जो अग्नि फैली थी वो शांत हो गई, और वन हो गया हरित सुख शीतल, वन में हरित हरियाली फैल गई, सुख आ गया, और चारों ओर शीतलता सम्माहित हो गई, या शीतल फिर से चारों ओर शांति फैल गई। तो ये किससे हुआ, जो मनु की अर्धांगनी श्रद्धा है वो वहाँ पर आती है और उस अग्नि को अपनी आँखों की आंसुओं से, जो आँखों से बहने वाले आंसू है, वो आंसू उस वातावरण के लिए, उस स्थान के लिए वरदान बन जाते हैं, और वहाँ चारों ओर शांति फैल जाती है, सुख समृद्धि और हरियाली फैल जाती है। तो ये व्याख्या भाग था जो हमने जाना। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।